Okay, so now after that heavy topic, now put the heading. Ha, loan schedule. 1 minute. कौन सा? हमको बस खाली ये बताना है कि वन एग्जाम के पहले जितना कम टाइम में वन रिवाइज हो जाए, बिकॉज फाइव तो अभी किया है ना, तो वन को ज़्यादा टाइम भी ना लगे. एक बात बता दे रहे हैं, अगर अभी पूरा करने बैठा तो मिनिमम 10 दिन लगेगा, और अभी 10 दिन का टाइम है नहीं. तो ट्राई कि जितना जिस फ्लो में करा रहे हैं, घर जाएगा रेस्ट करना, आज में भी पढ़ो नहीं पढ़ो, कल से अगर लेके बैठेगा ना, इतना 3 से 4 डेज में पूरा वो सीक्वेंस जिसमें जा रहे हैं ना, तो तुम लोग को बोरिंग भी नहीं लगेगा एंड तुम लोग का पूरा चीज़ हो भी जाएगा. ठीक है? ओके, तो फ्लैट रेट एंड APR तो क्या होता है बताना? तुम कौन बोला था हमको आता है? हाँ, रमेश बोली हमको आता है फ्लैट रेट और APR और कुछ मतलब. पहले ये तो बता फ्लैट रेट होता क्या है. व्हाट इज फ्लैट रेट? आजकल तो नया नया टाइप का हुलीगन्स हम देख रहे हैं. व्हाट इज दिस? कुछ नया करता, अच्छा करता, कुछ बिकम मॉर्निंग में यही सीखा अभी तक. मेरा ऐसा क्रिएटिविटी भी नहीं है तेरे अंदर. ना, डेफिनेशन नहीं चाहिए. हाँ, दैट इज द पॉइंट. व्हाट? ओके, माने हर एक रुपया पे कितना ब्याज. तो एक एग्जांपल हम बोलेंगे ना, हर एक साल हर एक रुपया पे कितना ब्याज दिए हैं. तो फ्लैट रेट वाले लोग गधा कैसे बनाया? क्या बोला सर? 10% का रेट है, बाकी जगह 16% का रेट है. देखते हो ना, हम लोग मॉक टेस्ट भी कराते हैं, इसमें जो बच्चा आता है ना, आपके यहाँ पर कितना दिन क्लास होता है? 7 दिन क्लास होता है. मॉक पेपर देते हैं? हाँ. मॉक पेपर चेकिंग होता है? हाँ. रिविजन? हाँ. समरी? हाँ. उसी तरीके से बोला सर बाकी जगह 16 है, हमारे यहाँ पर 10 है. तो किस तरीके से बनाया? मान लो फ्लैट रेट एंड APR का एग्जाम्पल लिखवा दे तुम लोग को. बोला है क्या तुम लोग के पास में? अभी है क्या? ए भाई निकालो बोला, मुझे एग्जाम्पल जो कराया था इसमें. APR तो नॉर्मल आई हो गया. अच्छा, फ्लैट रेट किसके काम में आता है? टोटल इंटरेस्ट निकालने के. टोटल इंटरेस्ट मतलब मान लो ये एग्जाम्पल था क्या, 8 लाख का लोन है, 10% का फ्लैट रेट एंड 5 साल मंथली पेमेंट होगा, तो पता ना टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? टोटल इंट क्या चीज? हाँ, मिल गया. वो तो 10 लाख का गाड़ी लिए थे ना, इसीलिए था. तो पता नहीं कभी लेंगे. 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000. बोलते सर आपको थ्रू आउट द टर्म इतना 80 80 80 80 कितना बार? 5 बार. तो 8 लाख तो आपका लोन हो गया एंड आपका कितना ब्याज हो गया? 4 लाख. तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख. तो 12 लाख टोटल हो गया. कितना बार में देंगे? 60 60. तो 12 डिवाइड 60 कितना हो गया? 20,000. तो हर अब मेरे को क्या निकालना है? एनुअल इफेक्टिव देखना है मेरे को. एनुअल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे बताना? 2 लाख, ऐसे मत बोलो प्लीज, 2,40,000. तुम लोग ऐसे तुम लोग घर पे सम्स करो, 2,40,000 A 12 5 इज इक्वल टू व्हाट? 8 लाख. तो यहां से आई आएगा राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.1%, 18.97. आंसर बताओ. 18.97. आंसर बताओ. 19 19.55. ठीक है, तो यहां से ये सब लॉजिक एकदम क्लियर है. अच्छा, फ्लैट रेट का फॉर्मूला क्या था जो तुम बोला था मंचित? टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लोन इनटू टर्म इन इयर्स. अच्छा, ये सब तो ठीक है. नाउ व्हाई APR इज डबल द फ्लैट रेट? जस्ट थिंक, एमसीक्यू चलो बताओ. ग्रेजुअल रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड और क्या है? धीरे धीरे जो लोन कम होता है, तो जैसे एग्जाम्पल ये थे ना, 2,500 का कितना, मैंने समझ लो 2,500 का कितना परसेंट होता है? मान लो अगर तुम्हारा 5,000 का लोन था, तो फ्लैट रेट तो क्या बोलेगा? 10% पूरा दे दो 1 साल का, मान लो
तो इंटरेस्ट कितना हो गया 500, तो 2500 का कितना परसेंट 500 होगा? 2500 का कितना परसेंट 500 होगा? 20% ना। लोन का स्ट्रक्चर क्या था? 5000 का लोन लिए हैं, एक साल के लिए लिए हैं, तो आज लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000। एक साल बाद लोन आउटस्टैंडिंग कितना होगा? जीरो। अरे एक साल का तो लोन लिए हैं, 5000 वन ईयर लोन, तो आज 5000 का है, एक साल बाद कितना हो जाएगा? जीरो। तो एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2500 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। 2500 का कितना परसेंट 500 होगा? ठीक है, तो अगर मेरा फ्लैट रेट 10 था तो इस तरीके से हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये सारा तो ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते लोन शेड्यूल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर तुम लोग को आता है क्या बहुत अच्छे से? अच्छा, फोर तो आता ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें करा देते ताकि तुम लोग का पूरा टच हो जाएगा, ताकि वाला पार्ट को कौन सा कराए? 1, 2, 3, 4 में कुछ कराए या 7 कराए? ठीक है, 7 करेंगे। एक काम करते हैं, अरे थोड़ा पब्लिक बोल दो ना तुम लोग। हाँ 7, ठीक है 7 डन। और 4 बहुत बार करा दिए, 4 नहीं कराएंगे। 17, ठीक है हम अपने हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, सेवन करते, ठीक है सेवन करते। चलो अब तुम लोग मेरे को बोला है तुम लोग को आता है, कौन कौन बोला था हमको आता है? हाथ उठाओ। देखा, यही तो बात है ना, यही तो बात है। सब लोग बोल रहे हैं भैया ये लोन है, फिर चाटने आ गया लोन ना। ओ कुशल कहाँ गया? यही तो बात है ना, बोलेंगे करने तो अभी, बस जिसको बोलेंगे आगे करने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो किसको बुलाएंगे? रुको ना, पूर्ति यू वांट टू कम? ओके मृदुल कम, यू डू इट। अरे हम तो हेल्प करेंगे ना, पूरा हेल्प करेंगे। वेरी गुड, लाइक तो वॉकिंग हो जाए, उसको गैस हो गया होगा बैठे बैठे इतने देर। तो क्या हुआ, हमारे बच्चे हमारे जैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, नक्चड़े बच्चे कहीं और जाते हैं। हाँ चलो भाई, न्यूयॉर्क में इतना तारीफ करती है ना, ऐसा लगता है आंख से आंसू गिर जाए। इट्स वेरी गुड, यू नो, फॉर द ऑप्शंस पढ़ा रहे, फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड ऑप्शंस, मतलब थैंक यू थैंक यू। हाँ छोड़ दे भाई, फ्रेम में तो आ, तुम खड़ा हो जा। हाँ हम पढ़ा रहे ना, ओके आओ सब लोग मेरे साथ साथ। एन इंडिविजुअल टेक्स आउट अ 25 ईयर बैंक लोन ऑफ 3 लाख। इसमें ना ये सब जो सम्स है ना, एकदम आराम से पूरा पहले क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करेंगे। 25 साल का है, द इंडिविजुअल अग्रीज टू पे ओनली द इंटरेस्ट पेमेंट्स मंथली इन अरियर फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स, वेयर अपॉन ही रीपेज हाफ ऑफ द कैपिटल एज लमसम। तो कितना कैपिटल लमसम की तरह रीपे करेगा? 1.5। बहुत सिंपल है सर, 3 लाख आज, 15 साल खाली क्या पे करेगा? ब्याज। और ब्याज कैसे पे करेगा? मंथली इन अरियर, मतलब जो भी रेट होगा उस रेट को किससे मल्टीप्लाई, रेट कैसे निकालेंगे बताना? अरे इंटरेस्ट का अमाउंट, आई मीन इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेगा? 3 लाख इंटू व्हाट? I 12 बाय 12। अरे मंथली इन अरियर दे रहे हैं ना, तो मंथली इन अरियर मतलब क्या, हर महीना महीना ब्याज देंगे, तो एक महीना का रेट कितना होगा? I 12 बाय 12। मान लो 7% में लोन लिया है, तो 7% में एक महीना का ब्याज कैसे निकालता है? I 12 बाय 12 से मल्टीप्लाई करेगा ना, बिकॉज एक महीना का इफेक्टिव रेट को क्या बोलते हैं? I 12 बाय 12। तो 3 लाख इंटू I 12 बाय 12 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इंटू 12 इंटू 15, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, वेयर अपॉन ही रीपेज हाफ ऑफ द कैपिटल एज अ लमसम, ही देन पेज ओनली द इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर्स क्वार्टरली इन अरियर। अगेन अब कितना पे? I 4 बाय 4। कितना पे? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू I 4 बाय 4 इंटू 40। अरे 25 में से 15 चला गया, कितना बचा?
40 क्वार्टर इंटू 40, तो टोटल इंटरेस्ट, पहला क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द इंडिविजुअल अज्यूमिंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8.5%, ठीक है? तो लिखो, कॉपी निकालो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7, हम जो बोले वो लिखना, ठीक है? लिखो, 3 लाख इंटू I 12 by 12 इंटू 12 इंटू 15 प्लस 1.5 लाख इंटू I 4 by 4 इंटू 4 इंटू 10, हाँ गुड, ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, कोई भी डाउट? सीधा मार्क्स, मैं ऐसा लग रहा मार्क्स फेंक दिया पूरा, नींद आ रहा होगा उसको तुम लोग की तरह, तो बना दिया क्वेश्चन लोन शेड्यूल का। इसके बाद द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट ही कैन अर्न अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली ऑफ कितना? 9%। इसको लगा दुनिया में खाली एक ही यही सियाना है, क्यों बोले तो? जो लोन लिया है उस पर ब्याज कितना पे कर रहा है? 8.5%, और बोलता है आई कैन अर्न 9%, ठीक है? द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट ही कैन अर्न अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली ऑफ 9% फ्रॉम अ सेपरेट सेविंग्स अकाउंट, कैलकुलेट द लेवल कंट्रीब्यूशन ही मस्ट मेक मंथली इन एडवांस। अच्छा एक बार बताओ, पढ़ लेते पहले, टू द सेविंग अकाउंट इन ऑर्डर टू रिपे हाफ द कैपिटल आफ्टर 15 ईयर्स, तो क्या चीज का फील, ए का ना एस का? एस का। अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होना चाहिए? 1.5 लाख। अरे 15 साल बाद कितना रिपे करना है? 1.5 लाख, ठीक है? तो अच्छा कैसे कैसे डालेंगे, मंथली कितना डालेंगे? एक्स, तो एनुअली कितना हो जाएगा? 12x, ठीक है? बनाओ इक्वेशन, बनाओ 12x एस डी यू, हाँ मंथली एडवांस है ना, 12 15 इज इक्वल टू व्हाट? प्लीज बोलो, पार्टिसिपेट करो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत करो, काट दो उधर वाले को, पूरा काट दो, LHS पूरा काट दो, गिव मी फीडबैक, क्यों कटवा रहे? हाँ फॉर्मूला, गुड गुड, ये दिस इज द माइंड सेट। 6x एस डी यू, 6x एस डी यू, 6 कितना हो जाएगा? 30, 6 30 एट द रेट 4.5, एक्चुअली कुछ फायदा नहीं हुआ, बोलो तो क्यों? क्योंकि 4.5 का तो टेबल बुक नहीं है, फिर भी ठीक है, इससे हाँ निकालना तो पड़ेगा, ठीक है दोनों में निकालना पड़ेगा, इससे कर लेते हैं, की बात है। 6x एच डी ओ 6 30 30, ठीक से लिख, हाँ एट द रेट 4.5% इज इक्वल टू 1.5 लाख, ठीक है? आ गया, कितना नंबर आ गया? 9, ठीक है? तो सेफ, ओके। द इंडिविजुअल मेड द मंथली कंट्रीब्यूशंस कैलकुलेटेड इन पार्ट 2 टू द सेविंग अकाउंट, हाउएवर ओवर द फर्स्ट 15 इयर्स द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन द सेविंग अकाउंट, बाप रे बाप, तोप निकला है, तो सोचा कितना था? 9, लेकिन मिला कितना? 10, ठीक है? तो ओके, तो 10% कमाया है। अब एक बार बताना, मतलब रफली वो 9 का ना, अच्छा इफेक्टिव कितना कमाया होगा उसके हिसाब से? मैंने पहले जो सोचा था इफेक्टिव कितना कमाएंगे एनुअली, 1.045 करो कैलसी, 1.045 का स्क्वायर माइनस 1, 1.045 का, समझ में आया? तो वहां पकड़ो गए, हाँ ठीक है, 1.045 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ओके। अच्छा अभी बात बताना, जब 10 कमाई लिया तो ज्यादा कमाया ना कम? ज्यादा, तो रीपे कितना किया होगा? 1.5 ना, 1.5 से ज्यादा ना 1.5 से कम? 1.5 से ज्यादा, मतलब समवट 160 के आसपास पे किया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, द इंडिविजुअल मेड द मंथली कंट्रीब्यूशंस कैलकुलेटेड इन पार्ट 2 टू द सेविंग अकाउंट, हाउएवर ओवर द फर्स्ट 15 इयर्स, ये तो पढ़ लिए सॉरी, द इंडिविजुअल यूज द प्रोसीड्स एट दैट टाइम टू रिपे एज मच ऑफ द लोन एज पॉसिबल एंड देन डिसाइडेड टू रिपे द रिमाइंडर ऑफ द लोन बाय लेवल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो सबसे पहले तो पार्ट 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार पीछे घुमा के बताओ, तो पार्ट 2 का आंसर कितना है? इतना टाइम नहीं अपने पास में, पार्ट 2 160, मैं बोली दिया, लिख दे पार्ट 2 का आंसर, लिख देना, ऐसे मत लिखो, पार्ट 3 में लिखो, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स, पार्ट 3 में लिखना एवी ऑफ प्रोसीड्स एट द रेट 10%, लिखो सब लोग लिखो, एवी ऑफ प्रोसीड्स एट द रेट 10%, एवी ऑफ प्रोसीड्स एट द रेट 10% इज इक्वल टू 160395, ओके। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? सो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? ओके 3 लाख माइनस दिस। अब इसके बारे में उसका विचार क्या है, देखो पढ़ते हैं,
second last para, second line. Second last para, second line. And then decided to repay the remainder of the loan by level installments of interest and capital. After the 15 years, the effective rate of interest changed to kitna? 7. Abhi naya interest rate mein hoga. Okay. Level payment monthly in arrear. Level payment kaise dega? Monthly in arrear. Achha suno. Hum stream of payments denge. Kaise denge? Monthly in arrear. Uska present value kitna hona chahiye? 3 lakh minus this. Loan outstanding. To loan outstanding kitna hai? 3 lakh minus 160. Please calci batana kitna aa raha hai? Likh de do. 139605. Okay. Ekdam clear hai gaur vela? Pakka? Okay. Ab sunna. Level payment ka equation batao. Kaun batayega? Tum bana paega level payment ka equation? Okay, padh le. And part 1 ko rub karke bana dena. Tum log apna likh lo copy mein. Tum log thodi udhar aaye. Tum log ko to aana chahiye. Likho. Tum banam dekh rahe. Bana. Sir, baithne ki aadat chhut gaya hai. Facebook ka status to dekho sabka. Studies for 15 minutes and then take break for hours. कुछ कुछ लोग तो बहुत गजब दे रहे हैं. CEO at my own company. तो भाई ऐसे लगता है CEO at my own company. Works not yet, still studying. बहुत टाइम है मेरे पास. क्या चीज? तुम लिखो ना. अभी तक 12 का एग्जाम दिया है ना, हाथ कांपे का एग्जाम लेते देख लेना. अगर अच्छा से पूरा एंड टू एंड नहीं सॉल्व किया तो. अभी खाली जो देख रहे हैं ना. हाँ ठीक है एग्जाम में बात करेंगे. वन थ्री नाइन सिक्स जीरो फाइव इज इक्वल टू 12x ए 10 ऊपर में 12. ठीक है तुम जाओ, हम लोग एकदम सम करके आते हैं. कोई नहीं जाएगा को पता है ना. ठीक है जाओ. गुड. ओके 7 हो गया. देख लो इसको, टफ लग गया. हाँ धोखा वाला सम करा दे क्या? 2 क्या धोखा वाला करा देते, मजा आएगा. 17 भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा सुनो, 4 नहीं करेंगे. 4 का बहुत अच्छा वीडियो. नहीं नहीं 4 नहीं करेंगे, जनता विद्रोह कर देगी 4 कराने से. एक मिनट को. ठीक है हम अपने हिसाब से कराते. रुको 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 एक मिनट को. डाउट नहीं ले बेटा. ओके इसके बाद में एक बार 2 पढ़ते तो कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है 2 ऐसे देखा, ये रिवीजन ऐसे खुलता है ऐसे करके लगेगा मुंह पे, बहुत बड़ा है. तो रेंज में है ना, रेंज में तो कम बात करना चाहिए, बोले तो दूर दूर है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 तन्वी तुम आओगे. ठीक है आना पड़ेगा. क्या चीज? ये अच्छा पॉलिसी है. पहले ही बोल दी मेरा डाउट. इधर जाओ. हाँ ध्रुव आएगा. आओ आओ इधर आओ. वेरी शाय बॉय, वेरी शाय. इधर आओ सर. तुम ड्रामा करेगे इधर में. फटाफट आओ. मार थोड़ी नहीं तेरे को. फटाफट आओ बोर्ड पे. जाओ बोर्ड पे जाओ. ठीक है मत आओ. जिस जो जो स्टेज में चढ़ा है ना, इधर आओ. नहीं करें ऐ तुमको मेरा रेस्पेक्ट नहीं है. ठीक है राशि जाओ.
Rashi Jaigi. Rashi, extraordinary student from J.D. Billa, and she has chosen us. Okay, ow. Okay, and individual question number 2. Aye. Video batch, please, mere saath saath rahiyega. Phone ko bilkul bhi touch mat kijiyega. Mere ko sab kuch dikhai de raha hai. An individual took out a loan. Aye, question mein aye. An individual took out a loan of 1 lakh. Vikas, please help her. An individual took out a loan. अरे इसको बोलो इसको मिटाने में हेल्प कर. An individual took out a loan of 1 lakh to purchase a house. घर खरीद रहा है. 1 lakh pound का घर है, ठीक है ना चिंदी? तुम लोग 1 lakh का घर है, 1 lakh pound है वो. 1 lakh pound to purchase a house on 1st January 1980. The loan is due to be repaid. अच्छा 1980 को है लोन. रिपे कब होगा? 30 साल, जब तक वो बूढ़ा हो जाएगा और इसका बच्चा का बच्चा हो जाएगा. एवरेज में यही होता है सबका. घर ले लेता है. हाँ बता रहे तुम लोग को. बैंक जो करता है ना बहुत गंदा करता है. मतलब अगर मान लो 1 करोड़ का लोन लिया है ना, तुम लोग को बताया थी केला? मतलब ऐसा लगता है ना 90,000 उसमें ब्याज का जाता है. 90-95,000. मैंने तुम मान लो अगर 10 साल तक पैसा चुकाएगा ना, 10 लाख भी नहीं चुकेगा. 10 से 15 लाख भी नहीं चुकेगा, जबकि तुम दे चुका है इसको 1 करोड़ रुपया. पहला 10 साल में तुम्हारा वो जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बेचारी बंद का फायदा उठाते हैं. 90-95,000 तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट का रहता है. यू हैव पेड 1 लाख × 12, 12 लाख फॉर 10 ईयर्स. मतलब कितना पे कर दिया? 1 करोड़ 20 लाख. तुम्हारा 20 लाख कभी लोन नहीं चुकेगा. तुमने चीज़ किया ना लोन शेड्यूल में, क्या किया है? स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बाद में प्रिंसिपल ज़्यादा होता है, ठीक है? तो पहला 10 साल जब आज तुम लोन लिया है इतना भारी अमाउंट का, तो तुम्हारे से ऐसे पैसा टानेगा ना, वो कमा लेता है. वो पहला 10 साल में पूरा रिकवरी हो जाता है उसका. तो पहला 10 साल जनरली कोई डिफॉल्ट करता नहीं है. इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है, बट जनरली इफ यू डोंट हैव लाइक अराउंड 30-40% ऑफ द अमाउंट, यू शुड नॉट टेक अ होम. दैट्स आइडियल. इसमें और भी समझा सकते हो अच्छे से, बट वो जनरली पहला 10 साल में पूरा अमाउंट टान लेता है तुम लोग से. ओके आओ. द लोन इज ड्यू टू बी रीपेड ऑन 1st January 2010, बट द बोरोवर कैन रीपे द लोन. But the borrower can repay the loan early if he wishes. The borrower pays interest on the loan at a rate of 6% per annum convertible monthly paid in arrears. The loan installments only cover the interest on loan. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट दे रहा है और बाद में क्या देगा? जो कैपिटल था. At the same time, the borrower took out the 30 year, यही तो वो समय ना, आई गेस 7 का 4 हो जाते हैं. 30-year investment policy which was expected to repay the loan and into which monthly premiums were paid in advance at a rate of 1060 per annum. The individual was told that premiums in the investment policy were expected to earn a rate of return of 7% per annum effective after 20 years. The individual was informed ki aapko 4 hi mila hai, theek hai, maan mujhe 4 mila hai, and that they would continue to do so. Acha baba batao, जब ये पता चला तो उसका एक्शन क्या था? कोई बता सकता है? किसी को याद आ रहे तो क्या एक्शन लिया था? वो कुछ एक्स्ट्रा दिया था ना. पहले वो 1060 दे रहा था, फिर वो इंक्रीज कर दिया. कितना से? 3940. इंक्रीज कितना से किया? 3940, ठीक है. ओके द बॉरोवर, वो बता दिया, आप सब समय आते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट विच द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज एक्सपेक्टेड टू अक्यूमुलेट एट द टाइम इट वॉज टेकन आउट. प्लीज टेल मी इक्वेशन. 1060 SGU 3012 एट द रेट 7%. सेकेंड वाला पार्ट एक मिनट. कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वुड हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ रीपेइंग द लोन हैड एक्स्ट्रा प्रीमियम्स नॉट बीन पेड फॉर द फाइनल 10 ईयर्स. तो सेम चीज को वैल्यूट करेंगे कितना में? 4 में. और इसको किससे माइनस कर देंगे? 1 लाख से. शॉर्टफॉल निकालने बोला है ना, लिख लो इक्वेशन 2 वहीं पर. किताब में लिख लो, किताब में लिख लो इक्वेशन 2. 1060 SGU 1230 क्वेश्चन लिखो. 1060 SGU 1230 एट द रेट 4%. नहीं अभी ये तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आ गया, अब शॉर्टफॉल लिखो. शॉर्टफॉल 1 लाख माइनस वो वाला. किसको नहीं समझा हाथ उठाओ प्लीज. 1 लाख माइनस ये वाला, समझ आया?
Calculate the amount of money the individual will have after using the proceeds of the investment policy to repay the loan after allowing for the increase in premiums. बोलता है repay करने के बाद में कितना extra बचेगा? तो काम करते हैं for like किस तरीके से करेंगे इसको? करके दिखाओ equation क्या बनेगा? नहीं वैसे नहीं. देखो सुनो 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 सुनो, जहां तक मेरे को ध्यान में एबा, एबा प्लीज पीछे घुमाना. तो पीछे घुमा के मेरे को ये बताओ कि वो शॉर्टफॉल कितने का आ रहा था? 39 का शॉर्टफॉल था. 39 का शॉर्टफॉल था. दो चीज करना है मेरे को इसमें. एक तो शॉर्टफॉल को कवर करना है. शॉर्टफॉल को कवर करना है. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लोन चुका दे. लोन चुकाना मेन ऑब्जेक्टिव. दिशा तुम सो रही हो, ऐसे देखते रहना ठीक है, इधर उधर एकदम. तो लोन चुकाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था. तो लोन तो चुकाएंगे. शॉर्टफॉल था 39 का. तो कितना एक्स्ट्रा पे करा था? कितना एक्स्ट्रा पे करा था? ऑरेंज टी शर्ट. हाँ कितना एक्स्ट्रा पे करा था? हाँ देख के बता. लिखो कितना. तो 3940 को 10 साल अक्यूमुलेट करेंगे ठीक है. तुम लिखो क्या लिख रही हो? 5000. हाँ ठीक है. 3940 हाँ तो पहले करो क्या करेंगे. 3940 को कितना साल अक्यूमुलेट करेंगे? 3940 आ रहा अमाउंट. 3940 ए नहीं होगा. हाँ एस डी होगा क्या? एस डी यू 12 10 एट द रेट कितना चलेगा? 4. दिस माइनस शॉर्टफॉल लिख दो माइनस. हाँ दिस जो भी आएगा ये ला. दिस माइनस शॉर्टफॉल. क्लियर हो रहा है? पार्ट थ्री जैसे का बोलो. मेरे सरप्लस फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिए ना, एक्स्ट्रा पैसा लास्ट का 10 साल दिए, मान लो इसका अक्यूमुलेटेड प्रोसीड आ रहा है 60,000. 60,000 आ रहा है लेकिन मेरे को शॉर्टफॉल कितने का था? 39 समथिंग का था. तो बैलेंस मेरे हाथ में बचेगा ना, दैट इज अ सरप्लस ठीक है. ओके ये कौन बताएगा पार्ट फोर? श्रेयांशी बताओ. सजेस्ट अनदर कोर्स ऑफ एक्शन. कोई नहीं पढ़ रहा लास्ट में, मैं देख रहा हूं. Suggest another course of action the borrower could have taken, which would have been of higher value to him, explaining why this higher value arises. क्या चीज? क्यों? तो पहले क्यों नहीं किया वो काम? पता था. अरे मतलब इसका लॉजिक ये है, एवं सुन लेना. तुम लोग सब सही बोल रहे हैं, सुन लो एक बार, मैच करा लो कौन कौन सही बोल रहा है. ये उसको पहले वो क्या सोचा? इकलौता सियाना है दुनिया का. लोन कितना भी ले लिया, लोन कितना भी लिया देख के बताओ. 6.5 था क्या? 6. मैंने इसका आंसर रख करेंगे तो कितना है? 6.1 समथिंग समथिंग आएगा ठीक है. तो उसको लगा कि 6.1 में ले लेते हैं एंड जो पैसा ले लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा करता है तो पैसा लेके 7 में डाल दिया. ऐसा तो सब लोग करेगा, आर्बिट्राज होगा. तो ऐसा होता नहीं है. एक्चुअल में क्या हुआ? धोखा हुआ. तो उसको क्या पता चला कितना में एक्यूमुलेट हो रहा है? तो उसी समय अगर वो लोन रिपे कर देता तो उस समय क्या होता? कितना का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होता? एवा करो ना, कैल्सियम एवा करो. हम बोल रहे हैं 1.005 टू द पावर 12 माइनस 1. 1.005 टू द पावर 12 माइनस 1 6.16 आ रहा है ना. तो 6.16 का ब्याज दे रहा है एंड 4 का ब्याज ले रहा है. जो पैसा मान लो मेरे पास सरप्लस है, मान लो 1 लाख रुपए पॉकेट में है, तो 6.16 का तो ब्याज दे रहे हैं क्योंकि यहीं पर लोन खड़ा है.
4% का ब्याज कमा रहे हैं तो क्या करेंगे, लोन चुका दो ना। अगर लोन चुका देते तो क्या होता, 2.16 का जो इंटरेस्ट सेव होता, ठीक है। तो उस समय 20 साल का उसको क्या करना चाहिए था, लोन चुका देना चाहिए था। रीजन बीइंग, पहले वो क्या सोचा, अरे तुम लोग पीछे का आंसर को स्टैंडर्ड क्यों मान के चल रहे हो कि वो जो लिखा है मेरे को वही लिखना है। बहुत बड़े लोग तो बहुत अजीब अजीब लिखता है, तुम लोग अपना लिखोगे ना कि हाँ भाई ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि पहले उसको नहीं पता था बोल के हिज एक्शन वॉज गुड। क्यों उसका एक्शन सही था, कि हाँ भाई 6.16 लग रहा है, 7 मेरे को मिल रहा है, बट अभी उसका एक्शन गलत होगा ना, उसको क्या करना चाहिए था, लोन रिपे कर देना चाहिए था, तब ही वुड सेव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 2.16 समथिंग समथिंग, ठीक है। ओके, लास्ट वाला तो बहुत इजी है, लेवल वन वाला तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक मिनट रिलैक्सेशन, आपस में बात कर लो, बात करो, मेरे को जानना है तुम लोग किस सब में बात करते हो आजकल। क्या अभी बस इसके बाद उसमें दोनों नैप ले लेना, नैप, शॉर्ट नैप, चाय पीना है, चाय पिला देंगे, ठीक है, कॉफी भी पिला देंगे, कॉफी भी पिला देंगे। आज हम पैसा लेके आए मम्मी से, 500 रुपया महीने का पूरा खर्चा है, कॉफी चाय जो भी लेके पिला देंगे, 500 में हो जाएगा सबका, ठीक है, ज्यादा नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, अभी पॉकेट मनी थोड़ा कमी है। अच्छा, इसमें एक बार होमवर्क लिख लो, 1 यहां होते नहीं, 1 4 17 अच्छा एक सम है जिसमें देर इज सम एंट्री लोड एंड जिसमें देर इज सम एग्जिट लोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ब्रैकेट में लिख देना, व्हाट इज द यूनिक फीचर अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें देर इज सम काइंड ऑफ एंट्री लोड एंड सम काइंड ऑफ एग्जिट लोड। अच्छा एक और बात क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 11 भी बहुत अच्छा है, एक मिनट को बकवास मत करो, 9 11 सारा नहीं हुआ बेटा, 14 का जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो बहुत अच्छा है, लिख देना 14 ब्रैकेट में रीस्ट्रक्चरिंग। एक सम था वो मिल नहीं रहे, अच्छा 17 लिखवा दिया था क्या, एक मिनट रुकना प्लीज, बोला सम कौन सा था तुम लोगों को याद आ रहा है क्या, जिसमें वो प्रिंसिपल बढ़ता है, बोला सम याद आ रहा है क्या कितना था, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो 11 है, एक याद है जिसमें वो लोग पूछता है कि मतलब प्रिंसिपल क्यों बढ़ रहा है, प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है उसमें, हाँ 16 वाला, 16 किसी को डाउट है क्या, 16 वाला में बोलोगे तो भी करा देंगे, हाँ 16 लास्ट सम, इसका ब्रेक, तुम लोग थोड़ा पेशेंटली रहो, ऐसे चीमी चीमी मत करो,
कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई मुंह में गाली दे रहा है मेरे को, कोई बोल रहा है कब छोड़ेगा। तो क्या हुआ, थक भी गई इतना जल्दी? क्या चीज? कुछ नहीं, ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16। तुम गलत बोल रही हो। A loan of 20,000 is repayable by an annuity payable annually in arrear for 25 years. कितने का लोन है बताना प्लीज, पार्टिसिपेट करो तब अच्छा लगेगा, ऐसे टाइम स्पेंड हो जाएगा। हाँ जोर से बोलना ताकि अच्छा लगेगा। 20,000 कितने साल का है? The annual repayment is calculated at an effective interest rate of 8%, decreases by 50. यहीं पर तो नींद तो हमको भी तो आ सकता है, पढ़ा तो हम भी रहे हैं। तो इंक्रीजेस बाय 50 है, तो एक बार बताना जब इंक्रीज होता है, सिंपल इंक्रीज है कि कंपाउंड इंक्रीज है? तो घटा के लिखते हैं, कितना से घटा के लिखेंगे? 50 से घटा के लिखेंगे। तो कितने का लेवल और कितने का आइए, कितने का लेवल? एक मिनट रुको, तुम लोग रट के आए क्या? अभी तक तो वो निकाले ही नहीं कितने का लेवल होगा। x माइनस 50 बोलना चाहिए था, x माइनस 50 का लेवल एंड 50 का आइए। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू? अच्छा एक बात बताना, मेरे को क्वेश्चन आ रहा मन में, आईए में क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है और हम लोग इयर्स में काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ आईए वाला समय क्यों, फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला ठीक है तो गुड। चलो आ जाओ, चलो इक्वेशन बैठाओ मेरे साथ साथ, मेरे को प्लीज मेरे को याद नहीं आ रहा, प्लीज श्रेष्ठ मेरे को हेल्प कर देगा क्या? श्रेष्ठ ये लोग नहीं आते? ओह माय गॉड, x माइनस 50 कितने साल का? 25 ए, अच्छा एनुअली है क्या? प्लस 50 मानसी, ठीक है मानसी रही भैया, पहली बार मेरा कुछ बात सुने हैं। 16 नंबर आज अभी तो बोल रहे ना, हम ये बोले बेटा कि अगर आईए का समय, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज, कि अगर आईए का समय एंड हम लोग एनुअल में काम करना चाहते हैं जबकि पेमेंट क्वार्टर्स में हो रहा है, तो कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन? मुझे नहीं कर सकते, गुड। मेरे को ना आईए का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, प्लीज हेल्प करो ना। ए डू एन माइनस बाय, ठीक है ओके, मन का बड़ास निकाल लो। इज इक्वल टू 20,000, तो x कितना आ रहा है? सर x का नाम मत लीजिए प्लीज, कितना? एक मिनट रुक जाओ, अभी सुनना, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला बताना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट पेमेंट। तो फर्स्ट पेमेंट कितने का है? एक्स का है, फंस गई वो, फर्स्ट पेमेंट एक्स का है। ये सब मैं प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट पेमेंट कितने का मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्स का। तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से प्लीज बताना ना, कॉपी देख पीछे देख के बताना कितना रहा है पॉइंट। अच्छा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा कैपिटल आउटस्टैंडिंग आफ्टर द फर्स्ट थ्री पेमेंट्स हैव बीन मेड, तो कैसे निकालेंगे? एक मिनट सबसे रक्षा ट्राई करो प्लीज, ये बहुत इजी है, ट्राई करो, सबको ट्राई करना, सबको मौका, सब लोग पास होंगे यार आज इस क्लास में, जो सब लोग बैठे मैं चाहता हूँ सब लोग पास हो। प्लीज बोलिए, अच्छा एक बात बताना, फर्स्ट पेमेंट कितने का हो रहा है? 1/4, चलो एकदम बहुत सिंपल है, फर्स्ट पेमेंट और एक्स का, दूसरा कितने का हो जाएगा? एक्स प्लस 50, तीसरा, तीसरे कितने का होगा? एक्स प्लस 100। अच्छा आप ध्यान से प्लीज बात करो, एक मिनट, अगर तीसरा इतने का होगा, मेरे को फर्स्ट थ्री पेमेंट्स के बाद निकालना है, तो
x plus 100 कितना आएगा? 1562. अच्छा जो मेरा फोर्थ पेमेंट होगा ना, फोर्थ पेमेंट वो कितने का होगा? दिस प्लस 50, तो अभी इतने का लेवल 1562. a कितना? हाँ 22 प्लस. जब ये निकालेंगे तो कितना आ रहा है? कैसे ये बढ़ गया होगा? 22 यही आ रहा है क्या पीछे से? यहां तक प्लीज स्टॉप करें थोड़ा, इसके बाद ब्रेक दे देंगे. अभी यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मेरे को लॉजिक देना कि क्यों ऐसा हो रहा है. हम एक बात बोले, ये लोग जो काम किया ना 105 को मिला के, तुम लोग को लग रहा भद्दा काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है. एक फ्लो में तुम लोग क्या बकरे रहे, लेकिन एक फ्लो में वन के साथ साथ फाइव हो रहा है. ठीक है, तो अच्छा बात है. अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार देखेंगे पीछे ऋषभ दागा, तुम ऐसे रेस्टलेस होके बैठे हैं, मतलब मेरे साथ तुमको मेरा इज्जत नहीं कोई. कैलकुलेटर निकालो. हाँ कितना का लोन था? 20,000. 20,000 इंटू 8% करो तो कितना आ रहा है? 1600 का ब्याज देना था, लेकिन इंस्टॉलमेंट ही कितने का है? तो कहां से भाई बढ़ेगा? ये ऑब्वियस सी बात है. अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये बार करवा देंगे पूरा, बहुत अच्छा लगेगा. करो. कैसा हो गया? मतलब कभी नहीं सोचे थे मेरा CM1 का ब्याज ऐसा होगा ना. 1600 का ब्याज देना था, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? अच्छा बताना कब से कम होना स्टार्ट होगा? नॉट रियली, बिकॉज 1/5. हाँ फोर्थ से होना स्टार्ट हो जाएगा. 16/12 फोर्थ से भी होगा क्या? हाँ फोर्थ से होगा आई गेस. एक्चुअली देखो इंटरेस्ट आ रहा है 1600 का, और प्रिंसिपल माने जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है? 14 समथिंग का है. ठीक है, इसीलिए वैसा हो रहा है. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द टर्म ऑफ द लोन. कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. ये तो क्लास 10 में सिखाता है. बोलो ये वाला 10 की 11 में सिखाता क्या? इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था? 1462 पॉइंट प्लस, ऐसे कर लो ना, ए प्लस 50 प्लस, ऐसे जा रहा है. तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म कितना टर्म्स होगा इसमें? जितने साल का लोन है उतना टर्म्स होगा. एन इज 25. फर्स्ट टर्म कितने का है? 14 62 पॉइंट समथिंग, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50. तो फॉर्मूला क्या होता है? मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बता दो. एन बाई टू मतलब कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सॉल्व हो जाएगा. ये आंसर है क्या? नहीं, माइनस. कॉपी कर लो इसको. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. हाँ ब्रेक स्टॉप कर दे.